मित्रों, ये जो आप रेंगता हुआ भारी भरकम शरीर का जंतु देख रहे हैं, ये कोई आम जंतु नहीं है, ये मांसाहारी जंतु है और ये किसी से नहीं डरता है। ये जंतु आपकी जो घरों में पाई जाने वाली छिपकली होती है या रंग बदलने वाला गिरगिट आपने बहुत सारे देखे होंगे जंगलों में, घरों पर, आसपास खंडहर में या कहीं पर भी खाली जगह पर सड़क किनारे जो गिरगिट देखे हैं उसी की प्रजाति का है। इस जंतु का नाम है कोमोडो ड्रैगन और वैज्ञानिक नाम है वारानस कोमोडुएनिस या कोमोडो मॉनिटर भी कहते हैं। एक विशाल काय छिपकली की प्रजाति है जो इंडोनेशियाई द्वीप कोमोडो, रिंका, फ्लोरिस, गीली मोंटांग और गीली दासनी के जंगलों में पाई जाती है। ये एक रंग बदलने वाली छिपकली यानी गिरगिट की प्रजाति की है। इसके बारे में पूरी तरीके से जानने के लिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा और ऐसी वीडियो बहुत ही कम मिलती हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम इस तरीके की और अच्छी अच्छी वीडियो आपको दे सकें व सबसे पहले आप देख सकें। अब चलते हैं कोमोडो ड्रैगन के बारे में कुछ विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ये कोमोडो ड्रैगन आकार में छिपकली की प्रजाति में सबसे बड़े होते हैं। ये इनकी लंबाई 3.5 मीटर तक हो सकती है यानी ये 10 से 14 फीट तक हो सकते हैं। इनका वजन 70 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक हो सकता है। इनके बड़े आकार को ही द्वीप की विशालता का कारण माना जाता है क्योंकि कोई और मांसाहारी जानवर इनके सिवा उस द्वीप पर नहीं रहता है। कोमोडो ड्रैगन लगभग 3,500 साल पहले इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया के आसपास ज़्यादा मिलते थे लेकिन इनकी संख्याएं बहुत कम हो गई हैं, इसलिए इंडोनेशियाई सरकार ने इनके क्षेत्र को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया है। केवल इनके लिए एक कोमोडो पार्क बनाया हुआ है जो कोमोडो पार्क के नाम से ही जाना जाता है, जिसमें इन्हीं का ही वास रहता है। कोमोडो ड्रैगन हमेशा घात लगा करके ही शिकार करता है। इनके जबड़े में 1 इंच के लगभग दांत होते हैं और 2 जहरीली ग्रंथियां होती हैं जो लार के रूप में हमेशा मुंह में रहती हैं। किसी भी पशु को ये शिकार करते हैं और पशु के शरीर पर इनके दांत चुभ जाते हैं तो दांत चुभने पर वो लार पशु के खून में मिल जाता है और वो पशु बेकार हो जाता है। उसके बाद 20 से 30 मिनट के अंदर उस पशु का खून जमने लगता है और लाचार हो जाता है और ये कोमोडो ड्रैगन उस पशु को जिंदा ही खा जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन के हमले कभी कभार आदमियों पर भी कर देते हैं। अभी तक के सर्वे के अनुसार हजारों आदमी कोमोडो ड्रैगन के शिकार हो चुके हैं, इसलिए ये बहुत खतरनाक जंतु होते हैं। इनका काटा हुआ आदमी बच नहीं पाता है क्योंकि उस आदमी का भी खून 20 से 30 मिनट के अंदर जम जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये कोमोडो ड्रैगन बदबूदार और बदरंग डरावने से होते हैं। इनकी लंबी सी जीभ होती है जो बीच में आगे के भाग में 2 भागों में कटी होती है। इस जीभ के द्वारा ये पता लगाते हैं कि हमारा शिकार कहाँ है और इनका काटा हुआ अगर जो है पशु मिल जाता है तो उसी की गंध से उस शिकार तक पहुँच जाते हैं, शिकार भाग नहीं पाता है। इनकी सेंस पावर इतनी ज़्यादा है कि एक कुत्ते से भी ज़्यादा। अभी तक आपने कुत्ते के बारे में सुना होगा कि कुत्ता बहुत जल्दी सूंघता है और सूंघ करके उस टारगेट तक पहुंच जाता है जहां उसका टारगेट होता है, लेकिन कुत्ते से भी कई गुना ज़्यादा इनकी सूंघने की शक्ति होती है और ये 8 किलोमीटर तक इनकी शक्ति होती है। अगर इनका शिकार 8 किलोमीटर तक भाग गया है तो ये सूंघते हुए जीभ के द्वारा इनके अपने सेंसर से सूंघते हुए ये वहां पहुंच जाएंगे। कोमोडो ड्रैगन के एक कान होता है जो जमीन की धमक से ये सुनते हैं और उसी दिशा में चलते हैं जहां पर शिकार रहता है। इनकी उम्र 30 साल के आसपास होती है और ये जब अंडा देते हैं, अंडे से जब बच्चा निकलता है तो वो बच्चे ज़्यादातर पेड़ों पर रहते हैं ताकि और कोई इनका शिकार ना कर पाए। ये जमीन में, पानी में और पेड़ पर भी शिकार करते हैं। पानी में ये 15 मीटर तक ये तैर सकते हैं और इनकी दौड़ 20 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। अगर कोई मनुष्य इनसे सामने फंस जाए कर सीधी दौड़ करके कभी भी बच नहीं सकता है। इनसे बचने के लिए झिक झैक यानी दाहिने एक बार बाएं आप भागते रहेंगे तो इनके पकड़ से दूर जा सकते हैं, क्योंकि भारी भरकम शरीर होने के नाते ये दाहिने और बाएं जल्दी से मुड़ नहीं पाते हैं। कोमोडो ड्रैगन की प्रजनन मई से अगस्त के महीने में चालू होता है, वो अंडे सितंबर में देते हैं। ये 20 अंडे तक एक बार में देते हैं। ये अपने खुद के खोदे हुए गड्ढे में अंडे देते हैं। 7 से 8 महीने तक अपने अंडों की देखभाल करते हैं। अप्रैल में अंडे फूट जाते हैं। वह छोटे जो कोमोडो ड्रैगन पेड़ों के नीचे या पेड़ों के ऊपर छुप करके अपना बचाव करते हैं, ताकि जो मांस जानवर हैं इनका शिकार ना करने पाएं। ये 8 से 9 साल के बीच में जवान होते हैं। वहीं इनकी औसत आयु 30 साल की होती है। इनको सबसे पहले पश्चिमी विशेषज्ञों द्वारा 1910 में देखा गया था। कोमोडो ड्रैगन के पास एक मजबूत पंजे होते हैं। इन्हीं पंजों के सहारे ये पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। वह अपने शिकार की खाल को फाड़ने में सक्षम होते हैं। कोमोडो ड्रैगन अपने वजन का 80% तक मांस खा सकते हैं और महीने में एक बार शिकार करके ये पूरा महीना जिंदा रह सकते हैं। ये ज़्यादातर सूखे स्थान पर रहते हैं, पेड़ों के पास रहते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। जब शिकार करते हैं तब इनका साथ होता है, या जब प्रजनन का वक्त होता है तो ये जोड़े के साथ रहते हैं। कोमोडो ड्रैगन की पूंछ इनके शरीर से 60% ज़्यादा होती है और काफ़ी भारी भरकम होती है। अपने शिकार को चित्त करने के लिए ये पूंछ का भी सहारा लेते हैं। एक ही बार में शिकार चित्त हो सकता है। ये कोमोडो ड्रैगन छोटे पशुओं को जैसे खरगोश, बंदर, बकरी, भेड़ को ये समूचा निगल जाते हैं और बड़े पशुओं को ये नोच नोच के खाते हैं। वैसे इनका पसंदीदा पशु ज़्यादातर हिरन ही होता है और हिरन का शिकार बड़े चाव से ये खाते हैं। इनमें सबसे बड़ी खास आदत ये होती है, जो सबसे ताकतवर कोमोडो ड्रैगन होता है वो पहले शिकार को खाता है, उसके बाद फिर छोटे शिकार को खाते हैं। ये किसी से नहीं डरते हैं। इनको डर केवल एक कोमोडो ड्रैगन को, एक कोमोडो ड्रैगन से ही है। और ये छोटे पशुओं को जब खाते हैं, जैसे बंदर, बकरी, इनको खाते हैं तो उनकी खाल को और दांतों को निकालते हैं। ये लार के रूप में कफ की तरीके से निकालते हैं। जब इनको निकालना होता है तो धूप में जाकर के बैठ करके उसको उगलते हैं। मित्रों, कोमोडो ड्रैगन के बारे में बहुत सारी और सी बातें हैं, लेकिन वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने मित्रों को शेयर करके ज़रूर इस कोमोडो ड्रैगन के बारे में बताएं, ताकि वो कोमोडो ड्रैगन के बारे में अनभिज्ञ ना रहें। मैं अनिल मिश्रा, आप देख रहे हैं पशु पक्षी चैनल। मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, बाय बाय मित्रों।